भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहला टेस्ट मैच नागपुर टेस्ट मैच बेशक 3 दिन में हरा दिया, लेकिन इस जीत के बाद भी टीम इंडिया के सामने कुछ सवाल है। मैं कुछ 5 सवालों को आप लोगों के सामने रखूंगा, साथ ही विराट कोहली के उस गुनाह का जिक्र करूंगा, उस गुनाह के बारे में बताऊंगा जो क्रिकेट के मैदान पर कोई भी टीम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कोई भी टीम ऐसा गुनाह बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जैसा गुनाह मैदान पर विराट कोहली करते नजर आ रहे हैं। हर टीम चाहेगी कि उसका खिलाड़ी कभी भी मैदान पर ये गुनाह कभी ना करे, लेकिन विराट कोहली के इस गुनाह को टीम इंडिया कब तक बर्दाश्त करेगी? साल 2022 से लगातार विराट कोहली साल 2023 में आ गए हैं और 6 बार इस गुनाह को कर चुके हैं, लेकिन अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मैं पूरी कहानी बताऊंगा, पहले उन खिलाड़ियों का नाम बताता हूं जो टीम इंडिया पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले केएल राहुल की जो फॉर्म है वो डामाडोल है। केएल राहुल का बल्ला चल नहीं रहा है, सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। शुभमन गिल और सरफराज जैसे खिलाड़ी बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं और केएल राहुल बल्ले बल्ले होकर टीम इंडिया में खेलते जा रहे हैं, तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर कब तक। उसके बाद में चेतेश्वर पुजारा की फॉर्म टीम इंडिया के लिए परेशानी वाला सबब है। उसके बाद में सूर्य कुमार यादव की फॉर्म टीम इंडिया में परेशानी का सबब है। क्रिकेट फैंस ऐसा मानते थे कि भाई सूर्य टेस्ट में आएंगे, T20 वाला खेल दिखाएंगे, मजेदार शॉट्स खेलेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ढाक के 3 पात। अब विराट कोहली की चर्चा कर लेता हूं। विराट कोहली का 2019 के बाद से क्रिकेट के मैदान पर कोई टेस्ट में शतक नहीं आया है। आप अंदाजा लगाइए, जो बल्लेबाज शानदार माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज माना जाता है, 2019 से वो टेस्ट में शतक नहीं लगा पाया है। उसके बावजूद विराट कोहली एक ऐसा गुनाह मैदान पर कर रहे हैं जो कोई भी टीम बर्दाश्त नहीं करेगी। हर कप्तान, हर क्रिकेट कोच इस गुनाह पर उस खिलाड़ी को सजा जरूर देगा, लेकिन कोहली को नहीं मिलती। दरअसल विराट कोहली को पता है आपको कि सबसे फिट खिलाड़ी माने जाते हैं। फिट का मतलब क्या है? फिट का मतलब यह कि आप ना केवल बल्लेबाजी में बल्कि फील्डिंग में भी आप अपना 100% दे, लेकिन विराट कोहली नहीं दे रहे, क्योंकि जो आंकड़े मैं आप लोगों को विराट कोहली के बताऊंगा वो आप हैरान रह जाएंगे उन आंकड़ों को सुनकर। क्योंकि साल 2022 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के पास 14 कैच आए हैं। अभी तक विराट कोहली के पास टेस्ट क्रिकेट में स्लिप में 14 कैच आए, जिनमें से 8 कैच विराट कोहली ने लपके और 6 कैच विराट कोहली ने छोड़ दिए। मतलब लगभग आधे के औसत से विराट कोहली स्लिप में कैच लपक रहे हैं, और यह एक बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर कहा जाता है टेक कैच विन मैच। अगर आप कैच नहीं लोगे तो आप मैच नहीं जीत पाओगे, वो भी खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर विकेट लेने के लिए गेंदबाजों को जूझना पड़ता है, गेंदबाजों को रणनीति बनानी पड़ती है। ऐसे में अगर आप 6 कैच छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी टीम को बहुत पीछे कर रहे हैं। वो तो टीम इंडिया जीत गई, अगर टीम इंडिया ना जीतती तो विराट कोहली सबसे बड़े विलन होते, क्योंकि जिन 2 खिलाड़ियों के कैच विराट कोहली ने छोड़े थे वो दोनों दिग्गज है, स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर। इन दोनों के पहली पारी में विराट कोहली ने स्लिप में कैच छोड़े थे, और ये दोनों कैच अगर टीम इंडिया पर भारी पड़ जाते तो शायद ये मैच भी भारत के हाथ से निकल जाता, क्योंकि दोनों का बल्ला भारत के खिलाफ खूब बोलता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस विराट कोहली को आप टीम इंडिया में सबसे फिट मानते हैं, सबसे बेहतर फील्डर मानते हैं, वो खिलाड़ी विराट कोहली, वो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में जब स्लिप में खड़ा होता है तो कैच क्यों छोड़ता है? क्योंकि आंकड़े गवाही दे रहे हैं 14 कैचों में से केवल 8 पकड़े हैं, 6 कैच विराट कोहली ने छोड़े हैं। तो यहां पर विराट कोहली के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर विराट कोहली के गुनाह कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, और विराट कोहली इस गुनाह को कब तक करते रहेंगे, क्यों अपने इस गुनाह में विराट कोहली सुधार नहीं कर रहे हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आपका विराट कोहली की फील्डिंग को लेकर क्या मानना है। जिस तरीके से विराट कोहली के आंकड़े बता रहे हैं कि वो लगातार कैच छोड़ते जा रहे हैं, तो क्या विराट कोहली के कैच छोड़ना टीम इंडिया पर भारी पड़ सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव खबरें आप लोगों को मिलती रहेंगी।